मित्रों, हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण और सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के उन 5 अंगों के बारे में बताया गया है जिसे बहुत कम पुरुष जानते हैं कि अगर ये अंग बड़े हों तो पुरुष को उसका क्या फल मिलता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के कौन से अंग अगर बड़े हैं तो वह पति, प्रेमी और परिवार के लिए भाग्यशाली होती हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं उन अंगों की, जिसमें से सबसे पहला है लंबे और घने बाल। मित्रों, ये तो हम सब जानते हैं, लंबे और रेशमी बाल स्त्री के सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। यहाँ तक कि शास्त्र में भी लंबे बाल वाली स्त्री को पद्मिनी की उपाधि दी गई है, अर्थात ऐसी महिलाएं उच्च कोटि की होती हैं और इन्हें पति या अपने प्रेमी के लिए अत्यधिक भाग्यशाली माना जाता है। इसके अलावा यदि आपकी प्रेमिका या पत्नी की लंबी गर्दन होती है तो मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र की माने तो लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है, अर्थात जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो शालीन होती हैं। साथ ही ऐसी स्त्री के पति या प्रेमी उसके सौभाग्य से संपूर्ण होते हैं। तीसरा, बड़ी आँखें। मित्रों, शास्त्रों के मुताबिक बड़ी आँखों वाली महिलाएं सिर्फ पति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और इनकी उपस्थिति मात्र से ही घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। चौथा, लंबी नाक। मित्रों, ये तो आपने सुना ही होगा कि लंबी नाक वाली महिला कुछ गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं और इनके घर में रहने से पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। और मित्रों, शायद यही वजह है कि हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए जब लड़की देखने जाते हैं तो उसकी शारीरिक सुंदरता देखने के बजाय लड़की के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने एक मित्र को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।